आप भी विराट कोहली को एक शानदार बल्लेबाज मानते हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है, जिसके पहले दिन ही भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है और इसमें बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने मैदान के अंदर तूफान मचाकर रख दिया। विराट कोहली ने अपनी पारी के दौरान ऐसे ऐसे शॉट्स खेले जिसको देखकर राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री भी हैरान रह गए। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे ही कि इस मैच में विराट कोहली कितनी गेंदों पर कितने रन बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में से शानदार बल्लेबाज कौन है? इसका जवाब आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस टेस्ट मैच में भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई क्योंकि रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला दिया था और इस मैच में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी थी रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल। शुरुआत में तो इन दोनों खिलाड़ियों ने भी श्रीलंका के गेंदबाजों को हवा में उड़ा दिया और ताबड़तोड़ रन बनाए, लेकिन इसके बाद अग्रवाल और रोहित शर्मा भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आउट हो गए थे और एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में वापसी कर रही है, लेकिन इसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली और विराट कोहली ने आते ही संग मैदान में ऐसे तूफान शॉट्स खेले जिसको देखकर सभी फैंस खुशी के मारे चिल्ला उठे। विराट कोहली इतनी शानदार फॉर्म में है, 2 साल के बाद नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि विराट कोहली का दबदबा टेस्ट क्रिकेट में कितना है। जब विराट कोहली टेस्ट में कप्तानी करते हैं तब भी उनके बल्ले से ताबड़तोड़ पारी देखने को मिलती थी। विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट का किंग भी कहा जाता है क्योंकि अमूमन टेस्ट क्रिकेट बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। विराट कोहली इस मुकाबले में भी बेहद शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी भी विराट कोहली क्रीज पर है। अब पारी का दूसरा सेशन चल रहा है। विराट कोहली ने अभी तक 42 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं और जिसमें 3 चौके भी लगाए हैं। इनके साथ देने के लिए मैदान पर हनुमा विहारी भी खड़े हुए हैं, उन्हें भी विराट कोहली के साथ शानदार रन बनाए हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 60 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर चुके हैं। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि ये दोनों बल्लेबाज इस साझेदारी को कितनी आगे ले जा सकते हैं। इस मैच को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि विराट कोहली इस मैच में अपना ताबड़तोड़ शतक लगाएंगे और भारतीय टीम का स्कोर 500 के पार ले जाएंगे। इनके साथ हनुमा विहारी भी बहुत शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वो भी अपना ताबड़तोड़ शतक बना सकते हैं और विराट कोहली के साथ एक अलग ही कीर्तिमान रच सकते हैं। अगर विराट कोहली आज शतक लगा देते हैं तो उनके 2 साल के शतकों के सूखे को खत्म हो जाएगा और विराट कोहली का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और शतक शामिल हो जाएगा। इस मैच में विराट कोहली के शतकों के सूखे का तो खत्म हो ही जाएगा, वहीं विराट कोहली का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और शतक शामिल हो जाएगा। इस मैच में विराट कोहली ने श्रीलंका के सभी गेंदबाजों की पिटाई की है। श्रीलंका का ऐसा कोई भी गेंदबाज इस मुकाबले में नहीं बचा है जिस पर विराट कोहली ने रन ना बनाए हैं। और अब पारी का दूसरा सेशन चल रहा है जिसमें लंच के बाद भारतीय टीम का स्कोर 139 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर है। इसमें भारतीय टीम ने केवल 32 ही ओवर खेले हैं। अभी तो यह सेशन शुरुआत हुआ है और इसके बाद एक सेशन और होना है। हमें तो ऐसा लगता है कि भारतीय टीम इस सेशन में 500 से 550 रनों के बीच आराम से बना लेगी और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रन मशीन विराट कोहली एक बार फिर से टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा जारी रखते हुए ताबड़तोड़ शतक बनाकर अपने शतकों के सूखे को खत्म करेंगे और भारतीय फैंस के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका के किसी गेंदबाज में इतनी ताकत है कि वो विराट कोहली की बल्लेबाजी पर अंकुश लगा सके? आप इस मुकाबले में विराट कोहली की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? दोस्तों अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।